रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम में आज बताएंगे आपको कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाएं कि 12 अगस्त को मनाएं। पूरे देश में कंफ्यूजन है इस बात को लेकर। शास्त्रीय विधान से बताएंगे शास्त्र क्या कहता है, आप 11 अगस्त को मनाइए कि 12 अगस्त को, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हर साल जो रक्षाबंधन का पर्व है ये श्रावण मास की यानी सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो इस साल जो पूर्णिमा तिथि है श्रावण मास की वो शुरू हो जाएगी 11 अगस्त को, और 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी सुबह 10:38 पर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी 11 अगस्त को, और ये रहेगी 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक। तो 11 अगस्त को शुरू हो रही है, 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रह रही है। तो अड़चन क्या है, क्यों हम 11 अगस्त को नहीं मना रहे हैं रक्षाबंधन या 12 अगस्त को मनाना चाहिए, क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण है भद्रा। भद्रा का नाम सुन के लोग डर जाते हैं कि भैया ये भद्रा क्या है। तो भद्रा जो है इस बार, भद्रा एक समय होता है, टाइम पीरियड होता है, पहले भद्रा के बारे में आपको बता दें, उस समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वो समय शुभ नहीं होता है, उस समय अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके खराब होने की संभावना रहती है। तो भद्रा इस बार जो है, जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी 11 अगस्त को 10:38 से, तो भद्रा भी लग जाएगी। हमारा शास्त्र ये कहता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को दोपहर के बाद राखी बांधना चाहिए। दोपहर का समय राखी बांधने के लिए सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन यदि दोपहर में भद्रा हो तो फिर शुभ नहीं माना जाता। भद्रा काल में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, राखी नहीं बांधना चाहिए। तो इस साल जैसे ही पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को 10:38 से शुरू हो जाएगी, उसी समय भद्रा भी शुरू हो जाएगी, और भद्रा रहेगी 11 अगस्त को सुबह 10:38 से रात को 8:53 तक। तो क्या हमें इस भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए? तो 8:53 के बाद राखी बांधें या 12 अगस्त को बांधें? तो 12 अगस्त को पूर्णिमा रहेगी सुबह 7:05 तक, क्या सिर्फ सुबह 7:05 तक में ही रक्षाबंधन मना लें 12 अगस्त को? इतने कम टाइम में बहुत सारे लोग तो सोकर भी नहीं उठ पाएंगे, तो क्या करें, ये सारा कन्फ्यूजन है। तो आइए जानते हैं हमारा शास्त्र क्या कहता है। देखिए, हमारा शास्त्र ये कहता है कि यदि पूर्णिमा दो दिन पड़ रही है, जैसे इस बार 11 और 12 अगस्त को पड़ रही है, और पहले दिन पूर्णिमा में दोपहर के समय भद्रा हो, क्योंकि दोपहर का समय सबसे शुभ माना जाता है राखी बांधने के लिए, तो यदि पूर्णिमा में दोपहर के समय भद्रा हो तो दूसरे दिन उदयकालीन पूर्णिमा तिथि यदि 3 मुहूर्त तक रहे, त्रिमुहूर्ति व्यापनी हो यदि दूसरे दिन उदयकालीन पूर्णिमा, तो दूसरे दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। त्रिमुहूर्त व्यापनी का मतलब होता है 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा यदि रहे, चाहे पूर्णिमा दोपहर से पहले ही समाप्त हो जाए लेकिन 3 मुहूर्त तक रहनी चाहिए, तभी अगले दिन हम जो है रक्षाबंधन मना सकते हैं, ये शास्त्र कहता है। लेकिन यदि पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापनी नहीं है अगले दिन, तो फिर रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए अगले दिन, क्योंकि 3 मुहूर्त का रहना बहुत जरूरी है। तो अब आइए आपको बताते हैं कि 11 अगस्त को जो पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, जिसमें भद्रा लगा हुआ है, और ये भद्रा रात को 8:53 में समाप्त हो रही है, 12 अगस्त को जो पूर्णिमा है वो त्रिमुहूर्त व्यापनी नहीं है, यानी पूर्णिमा तिथि सुबह 7:05 में समाप्त हो जाएगी, 3 मुहूर्त नहीं रहेंगे, इसलिए 12 अगस्त को शास्त्र के हिसाब से रक्षाबंधन का पर्व मनाना उचित नहीं होगा। फिर क्या करें? तो शास्त्र ये कहता है कि 11 अगस्त को आप जब भद्रा समाप्त हो जाए रात को 8:53 में, तो उसके बाद भद्रा समाप्त होने पर रात को 8:53 से, जैसे ही भद्रा समाप्त हो, से लेकर के 9:50 के बीच राखी बांध सकते हैं, क्योंकि ये प्रदोष काल का समय होगा, तो इस समय आप जो है राखी बांध सकते हैं। फिर से टाइम नोट कर लीजिए, रात को 8:53 से रात को 9:50 तक 11 अगस्त को आप राखी बांध सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है तब वो भद्रा अशुभ मानी जाती है, और यदि भद्रा पाताल लोक में रहे या स्वर्ग लोक में रहे, तीन ही जगह भद्रा रहती है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक,
तो यदि पृथ्वी लोक में रहती तब भद्रा शुभ नहीं मानी जाती है। पाताल लोक में रहे या स्वर्ग लोक में रहे तो भद्रा से हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में होगा और भद्रा पाताल लोक में होगी, तो भद्रा हमें ज्यादा परेशान नहीं करने वाली है, भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक में नहीं रहेगा। तो जो लोग 11 अगस्त को थोड़ा जल्दी राखी बांधना चाहते हैं, मान लीजिए कि कहीं किसी को जाना है कि कोई इम्पॉर्टेंट काम है, तो वो भद्रा पुच्छ काल में राखी बांध सकते हैं। और भद्रा पुच्छ काल का टाइम नोट कर लीजिए, भद्रा पुच्छ और भद्रा मुख के बारे में आपको बताएंगे। भद्रा पुच्छ काल का पहले टाइम नोट कर लीजिए, शाम को 5:18 से शाम को 6:20 तक, ये जो समय है ये भद्रा पुच्छ काल का समय है, इस समय में आप राखी बांध सकते हैं। फिर से टाइम नोट कर लीजिए, 11 अगस्त को शाम को 5:18 से शाम को 6:20 के बीच में आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं अपने भाई को। भद्रा मुख, जब भद्रा मुख की ओर हो उस समय राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्रा मुख के समय राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। तो इसका समय होगा शाम को 6:20 से रात को 8:02 तक 11 अगस्त को, तो इस दौरान ध्यान रखिएगा राखी ना बांधे। बाकी आप जो है जब ये समाप्त हो जाएगी भद्रा तब आप राखी बांध सकते हैं। फिर से टाइम बता दें, रात को 8:53 से 9:50 के बीच में बांध सकते हैं, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। और भद्रा पुच्छ काल में भी बांध सकते हैं, शाम को 5:18 से शाम को 6:20 के बीच में। तो ये दो समय है राखी बांधने के लिए 11 अगस्त को। कुछ इलाकों में परंपरा है कि उदिया तिथि में ही जो है लोग अपना शुभ काम करते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। तो उदिया तिथि 12 अगस्त को पूर्णिमा रहेगी सुबह 7:06 तक, तो फिर आपको सुबह 7:06 के पहले ही समझ लीजिए सुबह 7:05 तक ही टाइम होगा, तो उस टाइम पे ही आपको अपने भाई को राखी बांधना होगा। तो जो लोग उदया तिथि के हिसाब से राखी बांधना चाहते हैं तो वो 12 अगस्त को सुबह सुबह कोशिश करें कि सुबह 7 तक अपने भाई को राखी बांधें, क्योंकि 7:05 तक जो है पूर्णिमा रहेगी, तो 7 के पहले पहले 12 अगस्त को बांध दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि राखी बांधते समय किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जब भी रक्षा सूत्र बांध रहे हों तो बहनें ये ध्यान रखें कि उनके भाई का जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो, पूर्व दिशा की तरफ हो, और बहन का फेस पश्चिम दिशा की तरफ हो। भाई बहन दोनों के लिए बहुत शुभ रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।